जी मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ जी। ये इस मामले पर हम लोगों ने पहले भी डिबेट किया है, देखिए बार बार ये चीज हो रहा है। वहां पे अगर बीजेपी का घोषणा पत्र देखे तो उसमें भी स्कूटी देने की बात थी। तो जब आप कोई दूसरी पार्टी इस तरह की घोषणा करे तो उसको तो आप रेवड़ी कर देते हैं, और बीजेपी वो करे तो वो लोक कल्याण की स्थिति होती है। इस मामले पे सभी दलों को एक सर्वमान्य नीति पे आना चाहिए। विपक्ष और सत्ता पक्ष के विचार इसमें अलग अलग नहीं होने चाहिए। जब प्रधानमंत्री अपने मामले को देखते हैं तो अलग ढंग से देखता है, विपक्ष को बिल्कुल अलग ढंग से देखता है। देखिए प्रतीक जी, बात घोषणाओं की नहीं है, बात है क्रेडिबिलिटी की। जो भारतीय जनता पार्टी कहती है उसको 100% जो है वो लागू करती है। अब देखिए, अभी बहुत सारी बातें कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता, आज भी राजस्थान का किसान ढूंढ रहा है। 2018 में जो राहुल गांधी जी ने जनसभाओं में सब जुबाग दिखाए थे कि हम सारे लोन किसानों के माफ कर देंगे, कि इन्होंने इनके हाथ में मेहंदी लगा रखी है या पैरों में घुंघरू बांध रखी है, जो इन्होंने लोन माफ नहीं किया। मैं पूछना चाहता हूं, और बात क्रेडिबिलिटी की है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था 370 हटाऊंगा, 35 से हटाऊंगा, वो हटा दी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को खंडम कर दिया, घर में घुस के मारा है। प्रतीक जी, घर में घुस के मारा है। प्रतीक जी, ये मुद्दे तो अब जब कश्मीर का चुनाव होगा और 24 आएगा, हाँ, तो इनकी स्क्रिप्ट में तो यही सब चलेगा, हाँ, ये नहीं चलेगा आज, ये भी नहीं चले, इनकी टूल किट है, इनकी टूल किट है। प्रतीक जी, नेहरू जी ने कश्मीर का हिस्सा 90,000 किलोमीटर इस तरह चीन को दे दिया। 90,000 किलोमीटर, 90,000 किलोमीटर आज कश्मीर का जो पीओके है वो कश्मीर के पास में, जो पीओके है पाकिस्तान के पास में है ना, इनके लिए स्क्रिप्ट आया था। राइट 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 जी। प्रतीक जी देखिए, जनता भी हंस रही है। देखिए 2024 में हम खुद आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी कर। प्रतीक जी देखिए, अब मुद्दा क्या है, क्योंकि ये लोग तो शिगुफे लेके आते हैं, जिसकी वजह से शॉर्टकट की पॉलिटिक्स, कम्युनल उन्माद फैलाने की पॉलिटिक्स जो शॉर्टकट है, तो उस शॉर्टकट की बात हो रही है। ये देश अनेकताओं में एकता का देश है। इस देश के अंदर वो जो ट्राइबल, वो जो आदिवासी जंगल में अपने सिद्धांतों, अपने विचारों और अपने कानूनों से चल रहा है, वो जो दूर दराज कश्मीर में बहन अपना परिधान पहनती है, उसको ये अपना परिधान पहनाना चाहेंगे। मैं चांस जी, उड़ीसा से हैं जी, बोलिए कुछ कहना चाहती हैं? नहीं, कुछ नहीं कहना। हाँ जी, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि मोदी जी की हत्या करके ये भारत जोड़ेंगे क्या? आज इनके मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेता का बयान आया कि हम मोदी जी की हत्या करके भारत को जोड़ रहे हैं। आगे जाइए, आगे। हाँ हाँ, मैंने उसको, आप देर से आए, उसको कंडेम कर दिया, मैंने वो सवाल नहीं लिया था। और कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि उसको कंडेम नहीं, उसकी भर्त्सना होनी चाहिए। वो बयान जो है गलत नहीं, घनघोर रूप से आपत्तिजनक है। जी जी, 43,000 वर्ग किलोमीटर जो हिस्सा नेहरू जी ने सजा कर थाली में भारत का हिस्सा ले दिया था। सब बहुत सार्थक चर्चा हुई है भाई। मैं आ रहा हूँ। बहुत सार्थक चर्चा हुई है। मैं कहना चाहूंगा, ये दो दल अभी रहे, हालांकि तीसरे दल, मैं आ रहा हूँ। अरे रुकिए, बकवास क्या हुआ? ठीक है ना सर? अरे ठीक है ना, क्या हुआ? अरे रुको, चीन नहीं, कोई बात नहीं, चलो आ रहा हूँ जी। तो भाजपा और वर्सेस कांग्रेस रहा, तीसरे दल की एंट्री अभी नहीं हो पाई, लेकिन दोनों का आप मैच देखिए। जब मुद्दे पर बहस, अभी सदन चल रहा था, क्या जरूरत है कांग्रेस के उस नेता को इस तरह का बयान देना? अब ये दोनों को मिल गया मुद्दा ना, देश में जनहित मुद्दे को पीछे करने में दोनों दल एक हैं। सभी दलों में दलदल है, मैं कहता हूँ सबसे अच्छा निर्दल है। ये दलदल में रह के लोग क्या करेंगे साहब? मुद्दों पर बहस करते ही नहीं है। जब मुद्दे की बात आएगी, कोई प्रधानमंत्री पर कोई टिप्पणी कर देगा, कोई कुछ देश के ऊपर बोल देगा, कोई पाकिस्तान पर बोल देगा, मुद्दे खत्म हो जाएंगे। देखिए, चुनाव में एक प्रमुख बात देश में बड़ा सोशल मीडिया पर चल रहा, अब्दुल को टाइट करने वाला। मैं तमाम देश के लोगों से कहता, बहुत प्रमुख बात है, अब्दुल मतलब मुसलमान, 14-15% नट जो होता है वो 15%, बोल्ट 85% होता। अब्दुल को अगर ज्यादा टाइट कीजिएगा, स्लिप करेगा, तो बोल्ट भी काम का नहीं बचेगा। इसलिए सब लोग मिलकर देश हित में, समाज हित में, जन हित में आप फैसला कीजिए। मुद्दे देश के हों, मुद्दे धर्म के नहीं, मुद्दे जाति की नहीं, मुद्दे क्षेत्र के नहीं, मुद्दे भाषा के नहीं। मरा
कभी मराठी और हिंदी भिरा रहे हैं, कभी गुजरात में बिहारियों को पिटवा रहे हैं, ये सब मुद्दे रहे ना पिछले दिनों आपके चैनल पर भी बात हुई है। वन बाई वन मोहम्मद रफी आता वहाँ पे, वहाँ जगह है, राहुल जी वहाँ जाएंगे। देखिए प्रतीक जी, मेरे भाई ने बोला अब्दुल का ज्यादा बोल्ट में टाइट करना, नहीं तो मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि अब्दुल का बोल्ट टाइट किसी ने किया ही नहीं, अब्दुल सबका बोल्ट टाइट कर रहा है। वरना झारखंड के अंदर जहाँ माइनॉरिटी मेजोरिटी हो जाती है वहां पर स्कूलों का नाम बदल दिए जाते हैं। क्या बात कर रहे हो ये भैया, छोड़िए आप इस चीज को। राहुल मैंने अपनी अपनी डिबेट में एक डिसिप्लिन बनाया। मैं बहुत बड़का सवाल है, बड़का सवाल है तो वेट करो, संयम करो, मैं आ रहा हूँ। जब मैं उनको कह रहा हूँ सुनो, मेरी डिबेट में मैंने मोहम्मद रफी मैंने डिबेट में हमेशा, उन्होंने कहा कि देश को अगर चलाना है तो दोनों को मिलके चलाना होगा, मिलके चलाइए। जो गलत है चाहे वो अब्दुल और चाहे वो हाँ कोई कोई, चाहे बड़े भाई हो चाहे छोटे भाई, दोनों जो भी गलत एलिमेंट है उसको गलत है, इसमें कहीं को नहीं। आप एक शब्द नहीं कहेंगे, रुकिए जी, अब आप कंप्लीट करिए। अब आप देखिए प्रतीक जी, जो बड़ा भाई है वो तो पिटता ही रहा है, कश्मीर में पिटा, गोधरा में पिटा, दिल्ली में पिटा, मोहपुला में पिटा, हर जगह पिटता रहता है। अरे भैया हम तो पिट पिट के आज भी अहिंसात्मक हैं। आप अपना सोचिए, आप जो कह रहे ना बोल्ट फ्री हो जाएगा, फ्री बोल्ट की वेल्डिंग करना भारत जानता है। मैं आ गया बेटा, क्या नाम है आपका? प्रमित नाम हुआ, हम सीतामढ़ी से आए हुए, सीतामढ़ी बिहार। अयोध्या का तो पूरा डेवलपमेंट हो गया, लेकिन माँ सीता की नगरी सीतामढ़ी का कब ये वो फ्लाईओवर नहीं है, वो रोड नहीं है, बताइए उसका कब डेवलपमेंट? अयोध्या को आप देख रहे हैं, माँ सीता का कोई सम्मान? एक मिनट, हम लोग जय श्री राम बोलते हम लोग यहाँ बचपन से। ये शिकायत किससे है? मोदी जी से। मोदी जी क्या जो उनका ठेकेदार है उनसे? तो ठेकेदार कौन है उनसे पूछिए। मैं पक्का बोल दूंगा अभी, चुपचाप। हाँ जी राज्य सरकार है तो किससे शिकायत है? शिकायत अभी जो सरकार चल जाएगी। कभी कभी कंफ्यूजन, मैं आ रहा हूँ बेटा। कभी कभी कंफ्यूजन सॉल्व करना चाहिए कि भाई सीता की नगरी का डेवलपमेंट किससे नाराजगी? तो बोले नहीं भाई जेडीयू से बात करनी। जी बना जी, जब मैं आ रहा हूँ वन बाई वन जी। देखिए प्रतीक जी, जैसा कि सांस्कृतिक जितनी भी अपनी धरोहर है, चाहे बाबा केदारनाथ की बात हो, चाहे अयोध्या की बात हो, चाहे आपके काशी विश्वनाथ की बात हो, और निश्चित रूप से सीतामढ़ी के बारे में भी भारत सरकार निश्चित रूप से संज्ञान लेगी, लेकिन मैं वो निश्चित रूप से होगा, आप चिंता मत कीजिए। मोदी नरेंद्र मोदी जी है तो मुमकिन है, होकर के रहेगा। लेकिन मैं एक बात कह देना चाहता हूँ प्रतीक जी, जो महिलाओं की बात कर रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महिलाओं का मुद्दा उठा रहे हैं, एनसीआरबी का डेटा उठाइए, राजस्थान का कितनी महिलाएं प्रताड़ित होती है, और आदिवासी की बात कर रहे हैं, आदिवासी, अरे आदिवासी जो महिला राष्ट्रपति बनी है उनको क्या क्या राष्ट्रपति, क्या क्या राष्ट्रपति बोलने का काम करते हैं, राष्ट्रपति बोलने का काम करते हैं कांग्रेस के लोग। तो मैं एक बात बता देना चाहता हूं, 2024 के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो चेहरा है, जो उनकी साख है, जो उनकी लोकप्रियता है, क्योंकि वो लगातार भारत और जो इंडिया का जो बोल रहे थे, जो एक अंतराल बढ़ गया था उसको पाटने का काम कर रहे हैं, इसलिए जनता उनको। प्रतीक जी, जनता का मुद्दा बहुत जरूरी है। ये वही सीतामढ़ी है जहाँ महेश शर्मा जो इनके कल्चरल मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि सीता का अस्तित्व नहीं, राम सर्किट, रामायण सर्किट बनाने की बात हुई थी सीतामढ़ी के अंदर, जो सीता जी के साथ दुर्भाग्य हुआ। भाई भाई वो तो मैंने पूछा आपसे जो रामायण सर्किट है, जो सीतामढ़ी से लेकर राजा जनक की नगरी जनकपुर तक बनना है। मैं मिथिला की पुण्य भूमि से हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दरभंगा को एयरपोर्ट दिया है, ऐसे ही एयरपोर्ट। जो रोम रोम चिल्लाते थे आज राम राम चिल्लाने लगे हैं, क्योंकि इनको चुनाव नजर आने लगे हैं। प्रतीक जी, जनता के मुद्दे इनके शोर में डूब जाते हैं। गुजरात की बात कर लेते हैं, आइए, गुजरात में आज भी 5 रुपए हेल्थ केयर पे खर्चा है एक बच्चे के ऊपर, जो अफ्रीका से भी कम है। लोकतंत्र के अंदर अगर ये जीत गए, जनता के मुद्दे हार गए, तो उस पर घमंड मत करो। ये लोग जारी करते रहे जबकि भारतीय जनता।